आपको कोई जानवर लेना हो वो ऊंट, हाथी और ऊंट एक साथ बिकते हैं। लोग पूछेंगे कि हाथी और ऊंट क्यों बिकते हैं, कभी आइए ना सोनपुर में तो पता चलेगा कि हाथी और ऊंट क्यों बिकता है एक साथ। यहां पे गंगा के किनारे पे वो मेला है। जोर से बोलो भाई, कौन सा मेला? क्या गजब का माहौल है पाजी बिहार में। इस खड़े होइए, क्या नाम है? मेरा नाम क्या पास। अरे वाह, साथ है। कैसे टिकट टिकट मिला कि नहीं मिला? मिला है। किसको? आपको? हमको नहीं, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान। चिराग जी को मिला है टिकट। हम तो सोचे आपको भी मिल जाएगा। मिलेगा भविष्य में, मिलेगा। ऐसा विश्व के जननी है आदरणीय विश्व की। हाँ, वैशाली लोकतंत्र में है और हाजीपुर में ऐतिहासिक चीज यहाँ पर। कितने वोट दिए हाजीपुर ने उनको, ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है जी। और कुछ रखते रहेंगे, वे एक साथ पूछ लेंगे सब, यहाँ ना आप भी बता देंगे तो फिर आप आइएगा। मेरा कल क्या है, हम लोग का जो बिहार शहर है वो और स्टेट में कहीं शहर नहीं है। हम लोग वहाँ बंगाल में भी रहे लेकिन बंगाल में भी वो मजा नहीं है जो बिहार में है। हाँ, वो तो बिहारी को चाहे हम वहाँ अमेरिका न्यूयॉर्क में भेज दें, मजा यहीं आएगा। बिहारे से कांग्रेस से धर्मवीर शुक्ला जी हमारे बीच में मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी से अवधेश सिंह जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाजपा से दिलीप सिंह जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे अरविंद पासवान जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जदयू आरजेडी से सुभाष निराला जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। कांग्रेस नहीं बनती थी उस देश में, इंदिरा और नेहरू ने रॉकेट बनाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी ने इस देश में गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट मैं सुनता हूं। और सबसे पहले मैं कहा है, हाँ। देश को आजाद उन्हीं ने कराया है और देश के लिए उनके परिवार ने तीन तीन कुर्बानियां दी है। हाँ। और उस समय जब भागदौड़ का जिंदगी था, इस देश में कुछ नहीं था, तो घर से बुला बुला के नौकरी देने का काम उसी कांग्रेस पार्टी ने किया था। और आज जो स्थिति है, और आज आप बुला बुला के कांग्रेस को सीटें देते हैं। आज स्थिति यह है कि नौकरी से लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है और सारी प्राइवेट कंपनी को सौंपा जा रहा है। जी, जनता के बीच से कांग्रेस के प्रेसिडेंट के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ जी कि 2014 के पहले भारत रक्षा महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड। चुनाव आयोग के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप, इसके बीच हुआ गठबंधन। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में हम बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। उनकी नजर है उस पर भी, हम बीजेपी को शिकस्त दिलाएंगे। वो करूंगा महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। निर्जात करता सिर्फ उड़े हुए कश्मीर के जो हमारे सैनिक है, सेना के जवान हैं, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो दिया जा रहा है और भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। हाथ उठाया था, मैंने देख लिया था। कुछ लोगों को लगता है कि देश 2014 में आजाद हुआ है। हाँ। आजादी 14 में मिली है और उनके एमपी के एक कैंडिडेट मंडी से हैं, सो बोलती हैं, कंगना रनावत जी, और उन्हीं के साथ चिराग जी फिल्म भी बनाए थे। अच्छा जी, गजब है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पे। और हनुमान, मोदी जी के हनुमान और हाजीपुर के राम में असली लड़ाई है। पूरी दुनिया में मशहूर सोनपुर का मेला, और अगर आपको हाथी लेना हो तो सोनपुर में मिल जाएगा। खड़े हुई है अगर हाथी लेना हो तो मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा, मेला के समय में ही मिलेगा। हाँ हाँ, तभी मतलब हाथी मिल जाएगा, हाथी भी मिल जाएगा, घोड़ा भी मिल जाएगा। अब गधा? गधा नहीं। आपको कोई लेना जो आपको आना पड़ेगा, हाथी, हाथी के साथ ऊंट, हाथी और ऊंट एक साथ बिकते हैं। लोग पूछेंगे कि हाथी और ऊंट क्यों बिकते हैं, कभी आइए ना सोनपुर में तो पता चलेगा कि हाथी और ऊंट क्यों बिकता है एक साथ। यहां पे गंगा के किनारे पे वो मेला लगता है, लेकिन मेला एक और लगा हुआ है। काहे को ना लगा है? का माहौल है पाजी बिहार में। इस खड़े होइए, क्या नाम? नाम मिला कि नहीं मिला? मिला है।
किसको? आपको? हमको नहीं, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान। चिराग जी को मिला है टिकट। हम तो सोचे आपको भी मिल जाएगा। मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, ऐसा वादा है? वादा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बताइए हाजीपुर के बारे में। हाजीपुर जननी है, वैशाली जिला में आता है। जिला वैशाली है, वैशाली जिला है। यहाँ भगवान महावीर की जन्मभूमि है और बुद्ध की है। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान दो दो बार उनको गिनीज बुक में हाजीपुर लोकसभा की जनता। कितने वोट दिए हाजीपुर? ये चीज है, अब एक साथ क्या बताएं आपको, आप आते जाते रहिए तो बताते रहेंगे, एक साथ पूछ लेंगे सब यहाँ ना। आप भी बता देंगे तो फिर आप। हाजीपुर जो शहर है, चाहे हम लोग का जो बिहार शहर है, वो और स्टेट में कहीं शहर नहीं है। हम लोग वहाँ बंगाल में भी रहे, लेकिन बंगाल में भी वो मजा नहीं है जो बिहार में है। वो तो बिहार, ये बिहारे से व्यवहार शुरू हुआ है। बिहारे से जी हमारे बीच में मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी से अवधेश सिंह जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाजपा से दिलीप सिंह जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे अरविंद पासवान जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जदयू से शक्ति किशोर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आरजेडी से सुभाष निराला जी मौजूद हैं, शुक्रिया। भी नहीं बनती थी उस देश में इंदिरा कांग्रेस के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है। मैं डिबेट खोलता हूं, बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं और सब आरजेडी मौका देता हूं। जी आरजेडी का बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। हाँ। देश को आजाद उन्हीं ने कराया है और देश के लिए उनके परिवार ने तीन तीन कुर्बानियां दी है। हाँ। और उस समय जब भाग दौड़ का जिंदगी था, इस देश में कुछ नहीं था, तो घर से बुला बुला के नौकरी देने का काम उसी कांग्रेस पार्टी बुला के कांग्रेस को सीटें देते हैं। आज की स्थिति ये है कि नौकरी से लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है और सारी प्राइवेट कंपनी को सौंपा जा रहा है। जी जनता के बीच से कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने जो कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, जी मैं उनको बताना चाहूंगा या आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं जी कि 2014 के पहले भारत रक्षा के क्षेत्र में कितने वीर के जो हमारे सैनिक हैं, सेना के जवान हैं, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो दिया जा रहा है और भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहा है, इसका जवाब उनको जनता को देना चाहिए, जनता को देना चाहिए। जी आपने हाथ उठाया था, मैंने देख लिया था। कुछ लोगों को लगता है कि देश 2014 में आजाद हुआ है। हाँ। आजादी 14 में मिली है और एमपी के